يُشْرِكُونَ أرزقا تاون وتمته هوفي هتبيلا يا كاشف الكرب ان بجل حسين اكشف كربي وكرب المؤمنين بحق اخيك الحسين يا ابا الفضل العباس عليه السلام صلوات بابا زي بلند صلوات ذکر دی قبولیت واسطے سارے صلوات کرو سبحان اللہ رزق دی برکت وسط واسطے اونچی صلوات پڑھو سبحان اللہ امام زمانہ دی ظہور و سلامتی واسطے باواز بلند صلوات دعا مالک ذکر قبول باریان دی محنت منظور تے قبول میرے محترم نو مکمل شفا کلی ہو باقی مریضاں نو مالک شفا عطا پریشان مومنین دی پریشانیاں دور فرما ملک پاکستان دی خیر فرما عزاداریاں دا سلسلہ بخیر و خوبی جاری و ساری ہوئے ملک پاکستان نو استحکام عطا فرما اور دشمنان نو تباہ و برباد کر عزاداریاں دے وارث دا جلدی ظہور ہو جڑے چاہتے ہو دعاواں قبول ہو من تے صلوات روح نال پڑھو سبحان اللہ سولی کا انتظار تھا میسم کو اس طرح سبحان اللہ ڈپٹی شروع مالکاں دے پرانے نوکر اس مجلس تے بانی دی حیثیت ہے انہاں لوکاں دی محبت اتنی ہے اکثر سید انتظار تا من پسند چیز دا ہوندا ہے اڈو پھاسی اڈو انتظار بڑے آپس متضاد الفاظ ہیں بابا میں دوسری سطر ذرا گل کھول چھوڑا سولی کا انتظار تھا میسم کو اس طرح پودے کو پالتا رہا اولاد کی طرح سولی کا انتظار تھا نوکر بن اس در دا پروانہ بن بت لطف ویکھ کہ موت نو بھی پروانہ ککھ نہیں سمجھا سولی کا انتظار تھا میسم کو اس طرح پودے کو پالتا رہا اولاد کی طرح چلو ڈاکٹر صاحب کی زندگی ہوئے چلو انہوں نے آمد سن دیتا ہے لیکن انہوں نے اتنے بامڑ تھے شیعہ سنیا واسطے ایک تبلیغی جدو میں ظہور پڑھتا حسین جیت گئے دلیل دیکھیں حسین جیت گئے یہ ثبوت ہے ورنہ جلوس ہارنے والوں کا کب نکلتا ہے صلوات انہیں پڑھو جی میں ذکر بلند ہے ذکر الحمدللہ بہت کمال جاری ہے وقفہ ہے نماز و لنگر دے بعد سمجھو نویں سرو وت ماحول بن رہے انہیں سمجھو ہوں وت ابتدا ہے اور ابتدا بھی بہت کمال ہو گئی مالک زندگی رکھ رہے ہیں میرے عزیز محترم بہت خوبصورت ڈپٹی پیش کی تھی ذکر جو سونا ہے ذکر والے جو سونے ہیں ایک نظم جناب میر تکلم دی سائی جامع نے ہمیشہ کوشش کی تھی ہے اور ہر جگہ تے
मेरी जाकरी तेरे सामने अदब दे मोती अच्छी चीज अच्छे कलाम इब्तदा च भी हूँ तो चलो मालिक के पुराने नौकर हो गए शुरू तू अच्छे कलाम अच्छा अदब वो मेंबर तू कोशिश की है कि पेश करिए तू हकदार है तो मैं हकदार भैया जी मैं जिक्र सुना तो उन्हें सुना है सारे मामले में या इली मदद अर्दे सारे हकदार नहीं होते कोई कोई हकदार होता है उन्हें सैयदा नु न्याज दियो फट फट इमाम हुसैन दा रिज़्क मैं नहीं अल्लाह पे भी उन्हें ना दियो गरीब सैयदा गरीब उन्हें जो नहीं तगारी मैं नहीं चाह सकता मेरा धीया दा साथ है गरीब सैयदा धीया वास्ते न्याज लै बैसा टुक्को पकाई सा लंगर पकाई सा मैं तुम दुआ करे सा मैनू डॉक्टर नैयर साहब ने न्याज दी है मौला दी थोड़ी विछाई कबूल करे जेड़ा इमाम हुसैन दा सोना पोत्र अली अकबर आखो ना केड़ा सोना उसे अली अकबर दे नाते जेड़ा इमाम हुसैन दा सोना पोत्र अली अकबर दे नाते आज मैनू कोई बंदा खाली ना मोड़े मैं बारह बंदा मैं कहते ढह ना पवा मैं अपनी धीया वास्ते न्याज लै बैसा मैं तुम दुआ करे सा मेरिया धीया तुसा पाक जहरा दी कनीज हो पाक बतूल दा हिस्सा करते ए बाबे अली न्याज मैनू दसन ए मौजूद हैं अली अकबर दी न्याज दसन हां आओ ले सुन तो दस ना वाज हो गई अली अकबर दे नाम पे तू ही सैयद है मैं सैयद हां तेरा नौकर हां भैया दर मोहम्मद वाले मोहम्मद गुलाम पर सलाम सलाम बात नवे शुरू शुरू करिए जलसे दी डिप्टी है इतना वक्त वक्त की बड़ी कदर है वक्त की बड़ी कीमत है चलो ये भी एक सिलसिला है जो सही मदद ही करो ते लफ्जा अली जहन रखो अर्ज कर रहे हैं मेरा जे मेरा जे मीर तकल्लुम अच्छे कलाम अच्छे मोती अहल मजमा नहल के सामने यकीनन बता अच्छी चीज पेश किने करे सही चा मना ले ओ मेरा जे मोहम्मद में भी ऐसा नहीं देखा मेरा जे मोहम्मद में भी ऐसा नहीं देखा मेरा जे मोहम्मद में भी ऐसा नहीं देखा मेरा जे मोहम्मद में कसीदे की जमीन वेखनी है लफ्जों की तरतीब वेखनी है शायरी आम काम नहीं एक हौसले तरतीब है जिमें माला होती है जिमें ये नगीना गुजी अच्छा फिट हो तो बंदे आदर के कहें कारीगर बनाइए तो मालिक गुरु सलामत रखे मेराज मोहम्मद में भी ऐसा नहीं देखा सही जा मना लो जिमें जिमें कलम सफर करे कोई बंदा पीछे ना रावे मेरा जे मोहम्मद में भी ऐसा नहीं देखा मेरा जे मोहम्मद में भी ऐसा नहीं देखा मेरा जे मोहम्मद में भी ऐसा नहीं देखा अल्लाह अली में कोई पर्दा नहीं देखा या अली बड़ी मेहरबानी
जिंदगी दा राज होवी। ऐसा नहीं देखा परता नहीं देखा। चलो एक शेर मजीद थोड़ा माहौल बढ़ावन वास्ते। मैं पहले छुड़े का पिया भी लेकिन अकीदे वाले लोग वह भी ना छोड़िए ते नजम दे सारे शेर ही कमाल हैं ते दिल चाहते भी पढ़िए चा मसलन दूर है आधा नहीं देखा ये माहौल चाहिए जज्बे ना जज्बे ना। बड़ी मेहरबानी सियाणा शहर विच एक अद शेर मजीद मुमनीन दे और खासकर जवान मातमियों के जज्बे ना वो थोड़ा इवें ताज़ा करने वास्ते एक अद विच वो शेर भी आता है। बाकी पूरी नज़म का मिजाज उस सरदारा आले पासे और कुदरती वाकया वह भी जिलहज है बावी जिलहज 18 ते 24 वो तो तकरीबन सारा याद है। बावी वो बास बंदा मेरे बच्चों वो गुजर बहती है तो उन्होंने नहीं पता होता मिस समतिमार नाल उदा तालुक है। जितने मेरे जवान मातमी बैठे हो इन्होंने जवानों जरा बंदा किबला मौत तू डरेंदा तक तकलम साहब उसके मुंह से तमाचा मारा है तो उन्होंने लिख छोड़ रहा है उस पेड़ को पानी जा फांसी पे चढ़ेंगे उस पेड़ को। मलंगा नूं मौत तो डरे ने उस पेड़ को पानी जहां फांसी पे चढ़ेंगे। गलबात डॉक्टर साहब हुआ है कि कारीगर का काम दसेंद है कि मैं किसी जानने वाले कीता है हूँ ऐसा नहीं देखा कौसर पर्दा नहीं देखा आधा नहीं देखा जिन्हें इन्हें त्राए काफियों का मजा चाहिए हूँ पेड़ मीसम और पानी नाल जरा काफिया तो फिट होना चाहिए ही अगर तो तकलम उआ कीता है तो बस सावन की गर्मी ना वेखे शेर की बुलंदी वेखे उस पेड़ को पानी जहाँ फांसी पे चढ़ेंगे उस पेड़ को पानी जहाँ फांसी पे चढ़ेंगे उस पेड़ को पानी जहाँ फांसी पे चढ़ेंगे कोई मौत का प्यासा नहीं देखा। हूं मर्जी उस बंदे की भाई तमील कर दो उस पेड़ को पानी जहां फांसी पे चढ़ेंगे उस पेड़ को पानी जहाँ फांसी पे चढ़ेंगे मीसम से कोई मौत का प्यासा नहीं देखा। क्या पुरलुत्फ माहौल है ना कोई इजाफी गल्लां दी लोड़ पई पौंदी है ते ना मेरे मिजाज च शेर नाल शेर है लेकिन इतना जामे रंग च के चेहरा ते रौनक भी है ते दाद भी लब रही है। आखिरी दो शेर हैं ये दुनिया है कमरा इम्तिहान या मैदान इम्तिहान। इम्तिहान के बाद दो ही रिजल्ट होंगे या फेल या पास। जिंदगी हो भी लेकिन जड़ी गल मैं कर रहा जरा उबाला नहीं होना उस गल नूं तोड़ना है। इम्तिहान के बाद नतीजे दो या फेल या पास। तकलम ने एडू नतीजे लिखे
और अजीब अंदाजे अजीब कैफियतें। अगर सारे समात ऊंचियों करो तब पूरी नजम ते नचोड़। ये दो शेर दात पहले भी सोनी बैठने दियो, लेकिन ये शेर अगर पिछला तू बखेल ता सिर न हल्ले। अल्लाह के बंदे तू नजर आते हैं, लेकिन अल्लाह के बंदे तू नजर आते हैं, लेकिन अल्लाह के बंदे तू नजर आते हैं, लेकिन दो दोज़ख में अली का कोई बंदा कितनी दाद रे सो। जिंदगी हुई क्या बात है मौला, इन हाथों की खैर करे जिंदगी होने अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह वल्ला बिल्ला तुसा इन्हें समझो मुतमैन कर छोड़े। ऐसा नहीं देखा डॉक्टर साहब, पर्दा नहीं देखा, अपने काम दे तुसा मेहर होंगे हो, लिखण वाला अपने काम का मेहर है, हर बंदे का अपना शोभ है बाबा। कुछ बंदे चुप दे मेहर बैठे, उन्होंने अपना शोभ है बाबा। झगड़ा नहीं मेरी जाकरी का स्टाइल ही नहीं, जो मैं मिन्नत करा जो हाथ खोल जा बद, ये मेरी डिप्टी नहीं। शेर मैं पहाड़ तू वजनी पड़ा ते तेरी हाथ कड़ी क्यों ना खुले। अगर तो सख्ता शेर सुनाई तब पूरी गुण तक की नजम एक पास है ते तकल उनका नतीजा वो एक पास है। मल मल के बहुत देखा है आंखों को कई बार, मल मल के बहुत देखा मुहावरा आंखें मल के देखना ताकि मंजर कल जाओ। देखा है आंखों को कई बार, जन्नत में कोई दुश्मन जहरा लुत्फ बन गया भाई। सही सही जी जी वाह वाह अली 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 इस सुन डाले भाई जज्बे ना अली अली बेशक अली 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 मुख्तसर जलसे का टाइम अल्लाह हाँ बिस्मिल्लाह हुकुमे के बच्चा पढ़ो। मल मल के बहुत देखा है आंखों को कई बार, मल मल के बहुत देखा है आंखों को कई बार, जन्नत में कोई दुश्मन सहारा नहीं। हाँ क्या कमाल अजमत अमीर उल मोमिनीन थे उची चलो विलायत का महीना इस चूंकि लाने विलायत, वैसे तो विलायत पूरी जिंदगी थे मुश्तमिल है, विलायत बगैर चारा नहीं, लेकिन चूंकि लाने विलायत दे महीना है तो ये बिच विलायत के कसीदे नवे भी पुराने भी, लेकिन जरा मैंने चोखा विलायत वाला माहौल मिल वे तो जनाब यानी इस कंबर का वो एक कलाम है उसकी फरमाइश भी आती है तो जिला जिसका लुत्फ भी मजीद बद पे। अगर थोड़ा विलायत का शरबत पीवन का मूड हो गए तो पिला भी अच्छा बोलो भाई सलवात विलायत अली पढ़ो। अल्लाह प्यादे जिसमें शामिल न हो,
जानते हो मेरे मिजाज मिन्नत कोई नहीं, लेकिन इस कसीदे मेरी थोड़ी जी मिन्नत होती है कि कम अज कम अगर वाहवा न करें, झूम न सकें, हाथ न चावें, लेकिन गदीर दे कसीदे च इवें चेहरा सख्त करके न बावें। हाँ, वरना मशकूक हो वैसे मैनू कुछ शक पै वैसी चेहरे ते कम अज कम मुस्कुराहट रखें। बेनियाज प्यादे जिसमें शामिल ना हो, मुर्तजा की विला मुझको ऐसी इबादत नहीं चाहिए। शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जिंदगी तराजू मने आबाद ते शाद रहो। सानी अच थोड़ा जहा तवज्जो चौकी करो चा, उदे बाद विलायत आप तेरु इंज काबू कर ले सी जो तू हिसार चो निकल सही कोई ना। जरा सानी तामन कर दो, मालिक तेरु सलामत रखे। जिसमें शामिल ना हो मुर्तजा की विला मुझको इबादत नहीं चाहिए। जिसमें शामिल ना हो मुर्तजा की विला मुझको ऐसी इबादत नहीं चाहिए। कह रहा है खुदा ऐ नमाजी तेरी ना मुकम्मल शहादत नहीं चाहिए। जियो, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। अपना अकीदा पढ़ना जुर्म नहीं, किसे ते मुसल्लत करना जुर्म है। मुसल्लत में कभी नहीं किया, 40 साल पुराने नौकर हैं, खुली छूट है। बात अप्लाई करी जेन तक कबूल करें, मनावण का हुक्म नहीं, पहुंचावण का हुक्म है। लफ्ज नहीं चाहिए उदा वजन वेख लै ते कुरान नाल, कुरान दी आयत नाल इस अल्लाह दे फरमान नू ओ टैली कर लै ते वत तेरे अपने जमीर दा फैसला। जिमें दिल करी मन लवे, सुनो मुनकर वलीउल्लाह के इबादत नहीं चाहिए, ना मुकम्मल शहादत नहीं चाहिए, जामे विलायत पसंद हो भी तपी लवे। सुनो मुनकर वलीउल्लाह के पढ़ के देख आकाम खुदा के, तू लिए फिरता है एक नमाज को, तू लिए फिरता है एक नमाज को, तुम के मैदान में जाके देख तो क्या कह रहा है खुदा। आज मेरे नबी ना विलायत अली की बताई अगर मुझको तेरी रिसालत नहीं चाहिए। विलायत वास्ते अली दी औलाद दा खर्चा बड़ा हुआ, कितना हुआ है हद ही कोई। गल पुत्रां ते मुक वेंदी,
रोमन शायद सवालों का ना दा मुहर्रम मना लेंगे हो रोमन वाती पूरा साल जारी रहा उत्ते चन चढ़न वाला है ना लोगों के जहन से सवाल उठते यकम तू डा तई थोड़ी पा लो बारह तई पा लो शबीर की कुलखानी करा के थे पूरी लपेटो चा तो मेरा वीर जे तो गल तेरा जरबा ते मुख वेंदी रोमणी मुख तो भाई नहीं मुकी कोई तुला नहीं मजमून निगारी की लोड़ ही नहीं इतने अच्छे लोग हो दर्द वास्ते तो एक लफ्ज ही काफी बनवे दे हाँ रोमन दे असल मरले मेरा भाई प्याद है चूंकि जो कुछ कर बुलाए छे वो तो चलो इन्हों का विरसा आई जनाबे सजाद तू भी बंदे पुछते हैं ना कि बादशाह शहादत थोड़ा विरसा नहीं रत वत हो गया जिन्हें हाय नहीं की जिगर ते हथ रखिया आखे ना साहिल शहादत तो सारा विरसा है क्या शराबियों नाल बोलना ही सारा विरसा है बाजार च मामा का टुरना ही मैं पिसू लख डॉक्टर साहब दर्दा का कोई जाकर कोई हिस्सा पड़सी मेरा दिल बन गया है कि दीन ते खर्चा इस घर दियां धियां का भी है पोतरियां का भी है जिन्हें है नहीं की थी बतूल दियां नुहां का भी है जेड़ी नू बतूल दी करबला च मिशन च उदा किरदार पढ़ो ओ वफा दियां अखीर ते नजर आसी हालांकि खून दियां अक्सर बिचु नहीं लेकिन जनाब कासिम दी अम्मा वेखो अखीर वफा अली अकबर दी पाक मां लेकिन जैदा एक अद वैण मैं सैयद थोड़ी जोरी पा रहा हाँ बारह मुहर्रम वारिस दे पैरों दियां तलियां चुमियां क्या बात है तेरी मार्फत लिया ते तलियां चुम के पिया दिए ओ बेड़ी खड़िया नहीं ओ धियां खड़िया नहीं मैं आ कनीस मेरा सरताज जेड़ा जेड़ा मेरे वस च नहीं ओदी तने में माफी मसलन जो वारस दे तुर बन वाले दे हकूक होंगे वारस से ना तेनू सोना कफन पवा सकी हाँ एदी गर्मी एडी सोनी है मेरी मामा भैन दियाँ थोड़े हिस्से का अगला जुमला सरदार जो वास्ते च नहीं ओदी ता वल वल माफी ना कफन पवा सकी ना दफन कर सकी इन्ह गलों की तकनीज मंगती है माफी बाकी जो कुछ है मेरे वास्ते च जे तई जीसा ना ठंडा पानी पीसा रोलो रोमन दे मौसम जो आ गए कोई जाकिर जे या पानी ते सर कर नहीं या मसाहब है इससे अजादारी था मैं कहला डॉक्टर साहब ये वादा करके टोर गई
वत जदा शाम या कैदा निभा के आए। इस बीबी के दुख बड़े मुख्तलिफ रंग पड़े गए। इन मेरा दिल कर गया चिट्ठिया डाड़ियाँ वाले अक्सरियत वेख के बाबा ठत्री वाला इस बीबी के दुखा चो एक मंजर जरा थोड़ा पड़ा गया है। ज्यादातर शहादत आला जुमला पड़ा गया है, शायद उस तक मैं ना पहुंचा। पैरों दी तलियां चुम के वादा किया कि जो कनीज दा वासी ना साए तले ना ठंडा पानी। साल बाद वत वली अल्लाह मां ये हूँ मंजर शाला करीब तू इस दर्द नाल वसूल कर लो। चेला मनाया ने त्राए दिन सात दिन या नौ दिन इत काफिला रहे है। हूँ भाई जिन्हें जेन करबला पहुंच गए जना चौथे इमाम ऐलान किया ना कि बीबी ओ तैयारी करो। मजदूरों पूछे कितों की तैयारी, इमाम आते हूँ वतना ते बनने। यार तू अपने वतन ते बैठे ना ता लफ्ज वतन ते थोड़े बंदा आए की है वतन ते तोड़ मेंबर थे लगे आसो मेंबर थे नहीं आ जाओ। मालिक सलामत रखे जाकरी दुनिया का बहुत अजीम नाम इतरामी मजहब पीछे भावना चाहते हैं लेकिन मैं मुनासिब नहीं समझा। आओ जिन्हों के दर्दा ली तार करबला मिल चुकी है। भाई अली रजा पतूल दिया नूह चू इन्हों मुकानिया इस्तकबाल मुहर्रम दियां मलसां च इन्हों का रोवन की कैफियत वेख के मैं दूसरा कसीदा भी अद्धे छोड़ के ते मैं इस पासे रुख मोड़ दिता है। सादात मोमिनीन जदा इमाम आखे ना वतन ते वंगणा है। अच्छा कोई काफले का एक फर्दी बच्चा भी वो सवारी ते सवार होमने च देर करे काफिला तो पूरा रुक वेंद उस एक वास्ते मेरे चौथे इमाम एक मंजर बैठा है कि बाकी पूरा काफिला सवार हो चुका है। एक बीबी है शहीद आजम दी कबर दी पवांदी पेशानी रखी बैठी है। आदि बैठिए अकबर दा बाबा अगर आखे तो मैं तेरे कदम च रह पाऊं। क्या कमाल है उस हाय दा भाई जड़ी जाकिर दे वास्ता तू ना निकले मालकां दे रुख तू खुद जिगर चुका सर निकल जावे। मालिक कबूल करिए है। इमाम आस्ते आस्ते टुरदे करीब आके मोडे ते हाथ रखा बस मैं करीब तो सारी गल्लां छोड़े ना ते बाबे ठत्री वाले दा ओ मैं लफ्ज़ पढ़दा ते सलाम करदा जिन्हां दे मातम वाले हाथ तैयार हैं चूंकि दिन मातम दे शुरू पे होंदे ने। इमाम ने मोडे ते हाथ रखे अम्मा पूरा काफिला थारी वजह तो रुका हुआ है। इशारा करके आदि सजाद ते तुसा मन्नो ना। अच्छा चलो कुछ बंदे केड़े दर ते आए करने कुछ उस तो भी अगले लफ्ज से उन्होंने आए करने का म्यार ज्यादा सख्त होंगे लेकिन मजलूम की मंडल से सख्त बन के नहीं दिल नरम करके मालक को अगर पिन्हना आए बैठे
इमाम आखे अमां ते तुसा इत्थे कल्ले रासो, रात पहुंच के आ दिए ते बछड़ा मैं कोई कहनू दसना है जो मैं बतूल दिन वल्ला बिल्ला इस लफ्ज़ की कदरदानी थे मैं मुतमैन कर छोड़ा ही शाला सैन ये दाजर दे भी मैं तो दुआ ही दे सकता भाई अली रज़ा इमाम कोल दो वसीले हैं ये जो मौके थे लगदियाँ कोल कोई औखी गल मनावनी हो ना तो बंदे मेले टूरे मैं डॉक्टर साहब इमाम कोल दो वसीले हैं या तो जड़ी मामले औखी चढ़ी आई क्या बात है मार्फत वाले रोमन दी फाते शाम दी मिन्नत करना कि तुसा उठाओ इमाम आखिर शाम दी थकी हुई अगे औखी चढ़ी है बाबे दी कबर दो हाथ बधाया मेरा इबरत दा कुठा बाबा बाबा तुसा हुक्म करो चा ते मैनू पूछ भी दियो कि इत्थे रामना क्यों पसंद करेंगे ने आओ भाई सर नाल मदीने क्यों नहीं या सैयद मेरे जवारियां थे हम सफर हैं और जितने इस मुकानी लोग करबला दे या शाम दे जितने जायर बैठे हो जरा करीब हो में इमाम जरा ये वसीला गोला अच्छा जड़े बंदे दे जेन चे जो ये हायरे इमाम हुसैनी च इमाम कल्ले नहीं दो शहजादे होर भी हैं एक शबीए पैगंबर है एक छे महीने का छोटा अली है एक नुकता ये जेन च बाबे ठत्री आले इस बंद वास्ते जवानी माने एडू गल्ला बड़िया जरूरी नहीं मेरिया मावा भेण दियाँ एक तो इमाम कल्ले नहीं दो शहजादे कबर च ना ले दूजा नुकता जैनू कबर तू उठावना है वह पई आती है शाम और शाम केड़ी अमानत वह छोड़ के पई आती है तेरे वस च नहीं रो तो सुनी भी पाता है कि तेरा मातम वाला हथ बजुर्गों के इस दुखे वहन से ना उठी वे सदात मुमनीन जरा कबर वाले पूछे असगर दी अमड़ी मेरे सजाद नूं होर ना रवा नाले मैं पूछ सकदा जो बाकी मेरिया भेणी भी वो मदीने वतना ते टुरियां वेंदियां तू करबला च रह के करे से उच्ची रुनी असगर दी अमड़ी ते मातमी हो जड़ी वजह दसी कबर ते पेशानी मार के रो रो के पया दिए मैडी को अल्लाह मां भाई पहले गल नू अपने दिल ले जा दे में कबरे हुसैनी जा दे में ते बस समझे में कितना मातम पड़ता है बतूल दी वफादार नोदा अजीब कबरे शबीर थे आखरी वेले वतन वजन तू पहले अजीब जुमला है मैडी को पर छोड़ा एक मात रुक ओ इसे पुत्र दीता शाम जे मुल्क दिया का कला छोड़ना क्या बात है भाई शाबाश डरो में कहेगा मैं च सत्तर इस तू भी औखी आई अगू तेरे माता माला नसीब जाने नौकर है बाबा नौकर है बाबा रो के पैया दिए मैडी को हाय कौन तेरे तेरे
कितने मातमियों के हाथ खुलने उठी सर इमाम कबर तड़पे आदर रबाब जरा मैं इजाजत रहता पिया जरा मेरिया सखियां भेड़ी वो सवार हो चुकी पता नहीं मातम वाले हाथ कितने उठसन डॉक्टर साहब जरा सखियां भेड़ी का वल वल शबीर सरकार ना चाहे कबर से टक्कर मारियस ते जवाब ने के पिया दिए मैं सब तू वड़ी मजबूरी ओ उठे हर कोई आ किसी आया चाहते बे वो मैं ना धूप दे ना इथाई छोड़ना बनता ही क्योंकि अक्सर डॉक्टर साहब दा मेरी जाकरी दे कुछ मर्सी हैं उन्हों दा मरसीए की भावें एक सत्र ही होवे उनका हुक्म आता है कि वह मरसीए की सत्र जरूर होवे चूंकि मरसीए का ताल्लुक हे मातम नाल और लिहाड़े भी चानी मातम वाला चढ़ता पे है भाई रजा वत जबारों मुखातिबा ता मैं थोड़ा ना चाहे मेरे जबारियों के हम सफर इस लाइन का ताल्लुक हे जबारा नाल और बाकी जेडे जबारी वास्ते सीखते हो उन्हें नाल कयामत का मंजर जरा दुनिया छुड़े दी पई आई ना ते फिजा दिए दाई मर वनी जरा वेख तो सही तेरी माँ दे आखरी टाइम लग हलते पे अच्छा मर दी वसीयत दा रंग होर होंदा मस्तूर दी वसीयत दा रंग होर होंदा जिन्हां दे मातम वाले हाथ मातम वास्ते तैयार हैं इमाम झुकना शुरू कीता है जो मेरी अम्मा वसीयत किस दे मुतल्लिक पे करेगी इमाम कानलामन तो जेडे आखिरी जुमले आन उन इमाम दी रथ वधा छोड़ी रोके पिया दी है मैं दा चाना आबिद यो मिन्नत लावे मैं दी धुप ते कबार बड़ा छोड़े मैं दा चाने आबिद ओए ओए यार मर्जी है उस बंदे दी जैदा माथा मला हाथ हजा नहीं उठा नरों में कहेगा मैच मलस में मुकाई खोता सैंड डिप्टी कबूल करे बस भाई मातमी लोगो मुकानी लोगो आदि ये मैटा चाना पेत यो मिन्नत लामे मैटी थोपते कबर बड़ा छोड़े ये तुम गुजरे नजारे कर बल दे हाय हसकर दी माँ